माय चैनल, मैं हूँ बीना और आप देख रहे हैं आर्ट एंड डेकोर विद बीना। आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे बैग में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ इसमें मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे हम बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से टैसल्स बना सकते हैं और उससे अपनी साड़ी, लहंगे और दुपट्टे का लुक चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कोई सूट देते हैं सिलने के लिए या फिर कोई कपड़ा देते हैं तो उसमें से कुछ कपड़ा बच जाता है तो वो हमें टेलर से ले लेना चाहिए। वो कपड़ा बहुत ही काम का होता है, बाद में उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये टैसल्स के लिए मैंने बुकरम ले लिया है। बुकरम जो मोहरी में लगाते हैं और कॉलरों में जो लगाते हैं, वही बुकरम ले लिया है और उसके बाद उसी के हिसाब से मैंने ये कपड़ा काट लिया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर लूँगी मैं और इस तरह से दोनों तरफ से इसे सिल लूँगी बिना बुकरम के। पहले इसकी सिलाई कर लूँगी। तो ये सिल लिया है मैंने, अब इसको सीधा करूँगी और इसके अंदर बुकरम लगाऊँगी और जिस साइड से खुला है उस साइड को सिलाई कर लूँगी। बुकरम की जगह हम कपड़े को डबल करके भी सिल सकते हैं या कोई मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। तो अब इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लूँगी मैं। इसको अंदर से अंदर की तरफ मोड़कर कपड़े को भी सिल सकते हैं और मैंने बिना मोड़े ही सिल रखा है क्योंकि मैं इधर से कैंची से कटिंग करके इसका झालर जैसा बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये झालर बना लिया है। मैंने डबल सिलाई कर ली है ताकि ये कपड़ा निकले ना। तो इस तरह से मैंने ये 5 टैसल्स बना लिए हैं साड़ी के लिए। ये धागे से इस तरह से कढ़ाई भी कर सकते हैं आप, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और नीचे से झालर जैसे फ्रिल होता है ना उस तरह से भी लगा सकते हैं टेसल्स में। मैंने ये प्लेन ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इस साड़ी के पल्लू में ये टेसल्स लगाऊंगी। ये मेरी पुरानी साड़ी है, इसे मैंने बहुत बार पहन लिया है तो मैं इसका लुक चेंज करना चाह रही थी। तो आप लोगों के पास भी कई पुरानी साड़ियाँ होंगी तो इस तरह से ये देखिए प्लेन साड़ी हो तो उसमें और भी सुंदर लगता है ये। आप लोग भी इस तरह से अपनी साड़ी का लुक चेंज कर सकते हैं। ये मेरे सूट में से बचा हुआ कपड़ा है तो इससे मैं टैसल्स बनाऊंगी। जो लहंगे की डोरी होती है तो उसके लिए मैं ये टेसल्स बनाऊंगी। तो इसमें मैं ये चूड़ी की मदद से ऐसे गोल शेप में से काट लूँगी। ये नेट का कपड़ा है, इसमें से भी चूड़ी की मदद से मैं गोल शेप में कम से कम 8 पीस काट लूँगी। तो ये देखिए, 8 पीस नेट के कपड़े में से काट लिया है और 5 पीस कॉटन में से काट लिया है। तो मैं 4 का यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं ये सुई धागे की मदद से इस तरह से मैं ये टेसल्स बनाऊँगी। ये बीच में से मैं सुई लेके जाऊँगी ताकि जो धागा है वो दिखे ना बाहर। तो उसके बाद मैं ये फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लूँगी और ये टेसल्स रेडी हो जाएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो कॉटन का मैं सिर्फ 1 लूँगी और उसके ऊपर से मैं नेट के 2 पीस यूज करूँगी इसके ऊपर से। इसको भी अंदर से मैं सुई ले लूँगी अंदर से और उसके बाद मैं बनाऊँगी ताकि एक के ऊपर एक ऐसे आए, एक लाइन जैसी, ऐसी लड़ी जैसी बन जाए। ये इस तरह से, और इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके लगाऊंगी क्योंकि 2 साथ में लेने हैं। पहले 1 कॉटन का, उसके बाद उसके ऊपर से 2 नेट के, उसके बाद 1 कॉटन, फिर 2 नेट करके ऐसे लड़ी जैसी बना लूँगी। इसी तरह से मैं 2 लड़ियाँ बना लूँगी दोनों तरफ के लिए। इस
तरह का आपके पास कोई पुराना मांग टीका है या फिर कान के झुमके हैं जो आप बहुत पहन चुके हैं या फिर टूट चुका है, तो उसे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बचा हुआ नेट का कपड़ा है, इसके भी मैं इसी तरह से गोल ऐसे कपड़ा काट लूँगी और उसे इस तरह से मैं लगा लूँगी किनारों में। इस तरह से भी बहुत ही, ये प्लेन दुपट्टा है तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनाने के बाद। तो इस तरह से हम अपने प्लेन जैसे साड़ियाँ हैं उनमें और भी बहुत सुंदर लगते हैं ये टेसल्स, और ये दुपट्टे हैं उनका लुक चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस दुपट्टे में लगा लिया है, तो ये देखिए बिल्कुल ही लुक इसका चेंज हो चुका है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड।